हेलो बच्चों, आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर सेकंड जो कि चैप्टर नंबर 12 से है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो मैं आज आपको वही सॉल्व करना सिखाऊंगा कि आप अगर वो क्वेश्चंस आ जाएं या रिपीट हो जाएं तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी उसे सॉल्व करने की। आइए सीखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखने क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री हॉर्सेस आर टेदर्ड विद 7 मीटर लॉन्ग रोप्स एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स ऑफ 20 मीटर, 34 मीटर एंड 42 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द रोज ऑल्सो हॉर्स ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच रिमेन्स अनग्रेज्ड। मतलब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इनके तीनों पॉइंट पर तीन हॉर्स टाइट करे गए हैं। अब वो जो तीनों हॉर्स हैं उनकी जो रोप की लेंथ है वो 7 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक मतलब 7 मीटर है, तो मतलब वो यहाँ से यहाँ तक ही खा पाएगा, ग्रेज कर पाएगा, यहाँ से यहाँ तक ग्रेज कर पाएगा और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 7 मीटर की रोप से उनको टाई किया हुआ है। और जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स हैं, एक तो है 20 मीटर, एक है 34 मीटर और एक है 42 मीटर। तो तीनों साइड्स हैं और मतलब तीनों अलग अलग हैं, तो हमारे पास स्केलन ट्राइंगल हो गया। तो इसमें पूछा क्या हुआ है हमारे से, पूछा ये हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेज। तो कह रहे हैं इसका एरिया निकालना है हमें, जितना उन हॉर्स ने यहाँ ग्रेज करा है इसका एरिया। तो देखिए, अगर आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, वो कितना होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अच्छा, अगर मैं इस यहाँ पर जो हॉर्स टाइड है उसका एरिया निकालूंगा कि उसने कितना ग्रेज करा है, तो उसका कितना आ जाएगा, पहला ए पॉइंट का है ठीक है, तो उसका आ जाएगा थीटा वन, यानी देखो एंगल थीटा वन है, बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सिमिलरली ऐसे बी का है, तो बी में एंगल आ रहा है जो हमारा है वो थीटा टू बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। और ऐसे ही सी का हो जाएगा थीटा बाय 360, थीटा थ्री हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तीनों का हमने कर दिया। अच्छा, हमें क्या है टोटल एरिया निकालना है, यानी ये वाले सेक्टर का प्लस ये वाला सेक्टर प्लस ये वाला सेक्टर, तो इन तीनों को मैं एडिशन कर दूं। अब देखिए जो तीनों सेक्टर है उनका रेडियस जो है वो सेम ही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 डिस्टेंस है, इसका भी 7 है, और ये हमारे पास क्या होता है रेडियस ही होता है, इतनी जो लेंथ होती है ये आर ही होती है हमेशा। ये रेडियस 7 है, ये भी रेडियस 7 है, तो तीनों का आर स्क्वायर सेम ही है हमारे पास। तो इसमें से देखिए पहले कॉमन क्या क्या निकल सकता है, कॉमन हमारे पास क्या क्या निकलेगा, पाई सब में है, आर स्क्वायर, आर जब सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 360 सब में है, और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। तो बचेगा क्या पहले में, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, हमारे पास ये आ गया। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे आगे, पाई हमारे पास होता है 22/7, आर स्क्वेयर कितना हो गया 7 × 7, एंगल हमारे पास कितना हो गया 360 नीचे। अच्छा, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, देखिए यहाँ से यहाँ तक थीटा टू है, ये थीटा वन है और ये थीटा थ्री है, और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास ट्राइंगल में, ये तीनों एंगल का सम है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 के इक्वल। अब उसके बाद 180 से ये कट करूँगा तो ये 2 पे कट होएगा, इस 7 से ये 7 गया, यहाँ से ये गया, यहाँ जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 77 मीटर स्क्वेयर आपका आ जाएगा जितना हॉर्स ने ग्रेज करा था। अच्छा, अब उसके बाद सेकेंड पार्ट जो इसने पूछा है हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच रिमेन्स अनग्रेज्ड, यानी उस पार्ट का निकालना है जो ग्रेज नहीं करा गया है, मतलब ये वाला जितना एरिया है बीच का। तो उसके लिए मुझे क्या ज़रूरी है कि मुझे टोटल का पता हो, क्योंकि ग्रेज वाले पार्ट का ये है, टोटल में से अगर ग्रेज पार्ट को माइनस करूंगा तो अनग्रेज आ जाएगा, तो यानी टोटल अनग्रेज निकालना है मुझे इज इक्वल्स टू टोटल माइनस ग्रेज्ड पार्ट जितना जितना खा लिया। अब देखते हैं अनग्रेज्ड पार्ट कैसे, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो पूरा ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
माइनस ग्रेज्ड है हमारे पास 77। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। देखो पेरीमीटर क्या बनेगा इसका, तीनों साइड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट है, 20 है, 34 है, 42 है। इनका अगर पेरीमीटर मैं निकालता हूँ तो 20, 30, 50 और 90, 96 पेरीमीटर आ गया 96। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ आ जाएगा 8, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 48। अच्छा ए साइड होएगी जो, एक तो है हमारा 20, एक है 34 और एक है, तो एस माइनस ए, ए में मान लेता हूँ 20 है, यहाँ लिख भी देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 20, बी इज इक्वल्स टू 34 और सी इज इक्वल्स टू 42। तो एस माइनस ए यानी 48 माइनस 20 यह आ जाएगा 28। एस माइनस बी यानी 48 माइनस 34, तो 48 में से 34 गया तो 14 आएगा, और एस माइनस सी ये 48 में से 42 गया तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला से हमने ये निकाल लेंगे इसका एरिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, माइनस में 77। अच्छा एस कितना है हमारे पास, वैल्यू पुट कर देता हूँ 48, एस माइनस ए है मेरे पास 28, एस माइनस बी है हमारे पास 14 और एस माइनस सी है हमारे पास 6, ये माइनस 77। इनको मैं अगर ब्रेक करना चाहूँ तो 8 6 जा 48 होता है, 14 2 जा 28 होता है, इंटू 14 इंटू 6। अब देखो क्या क्या बाहर आ सकता है इसमें से, जो दो बार होएंगे वो रूट से बाहर आ जाएंगे, यानी 14 ये आ गया रूट से बाहर। अच्छा हमारे पास 6 ये भी आ गया रूट से बाहर, यहाँ बच गया सिर्फ 8 और 2 यानी 16 का आ जाएगा 4 बाहर, माइनस आ जाएगा 77। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 336, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर ले आया 336 माइनस 77, माइनस करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 259 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर जो अनग्रेज्ड पार्ट का है। अच्छा आपने ग्रेज पार्ट का निकाल लिया, ग्रेज पार्ट ये होता था, अनग्रेज पार्ट का कैसे हो जाएगा, टोटल में से ग्रेज पार्ट माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मतलब जिसमें यहाँ थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री आए तो आपको यही अप्रोच करना है, तीनों को प्लस करेंगे थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, इससे हमें एंगल मिल जाएगा क्योंकि ट्राइंगल्स का चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180। आपने सॉल्व करा, इससे आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। देखिए ए बी हमारे पास पैरेलल आ रहा है डी सी के, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड डी सी इज 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी और डी सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 14 सेंटीमीटर का। इफ द आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई इज 7 सेंटीमीटर, आर्क हमारे पास 7 सेंटीमीटर रेडियाई की है, ठीक है, हैव बीन ड्रॉन विद सेंटर्स ए बी सी एंड डी, जिनका सेंटर है हमारे पास ए बी सी डी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, और हमारे पास इक्वल रेडियाई है 7 सेंटीमीटर का, कुछ कुछ सेम सेम है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बस उसमें ट्राइंगल था इसमें ट्रेपीजियम है। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास आर्क 7 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर जो रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 7 और ये भी 7। अच्छा अब इसमें पूछा क्या हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी बीच वाले पार्ट का एरिया पूछा हुआ है हमसे। अब बीच वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अगर मैं टोटल में से यानी टोटल यानी ट्रेपीजियम का एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो होता है हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हमारा पैरेलल है 32 प्लस 18 दैट मीन्स 50 इनटू हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी 14 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है 14, तो मैं कट करता हूँ 7 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस पूरे ट्रेपीजियम का अगर एरिया निकाला है तो वो आ रहा है 350। अब क्या है, मुझे ये वाले पार्ट माइनस करने पड़ेंगे, वही पिछले क्वेश्चन की तरह
अगर मैं मान लेता हूँ ये जितना एंगल बना रहा होगा, ये थीटा वन हो मान लीजिए, ये थीटा टू हो, ये थीटा थ्री हो और ये थीटा फोर हो, तो हमारे पास चार सेक्टर हैं। तो एरिया ऑफ फोर सेक्टर्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा वन बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ऐसे क्वेश्चन में रेडियस हमारा सेम ही रहेगा, तो यहाँ भी सेवन है, यहाँ भी सेवन है, यहाँ भी सेवन है, यहाँ भी सेवन है, तो पाई आर स्क्वायर है, ऐसे ही थीटा टू अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा थ्री अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा फोर अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये चारों सेक्टर का एरिया मैंने प्लस कर दिया। अच्छा, इनमें से कॉमन क्या क्या आ सकता है, देखिए रेडियस सेम है, पाए तो सेम होता ही है, तो रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 ये सार में से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 22/7, आर रेडियस कितना है हमारे पास, 7 × 7 अपॉन में 360। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर 360, तो इंटू में क्या कर दूंगा 360 से 360 गया, 7 से 7, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो हमारे पास सेक्टर्स है इनका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 154। तो हमारे को शेडिड पार्ट का निकालना है, शेडिड पार्ट का एरिया क्या होएगा, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट वो क्या होएगा, टोटल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ फोर सेक्टर। अच्छा, टोटल हमारे पास था 350 माइनस ये कितना आया था 154 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे 6 आ गया, ठीक है, 5 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने पिछले क्वेश्चन समझाओ, पिछले क्वेश्चन में यही था कि ट्राइंगल था, तीनों एंगल्स का सम किया था तो 180 आ रहा था, इस बार हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा 360। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ढंग से समझा तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इन द फिगर। हमारे पास फिगर ये गिवन है। अच्छा, इसमें शेडेड पार्ट का निकालना है मुझे एरिया, तो शेडेड पार्ट कौन सा है, ये सारा बीच में ये बना हुआ है कुछ, यानी इसका मुझे काउंट नहीं करना है। तो शेडेड पार्ट का मैं रीजन कैसे निकाल सकता हूँ एरिया, अगर मुझे ये वाला पार्ट है जितना भी इसका एरिया पता चल जाए तो मैं शेडिड पार्ट में टोटल में से माइनस कर दूंगा ये वाला और शेडिड पार्ट मेरे पास आ जाएगा। तो ज़रा देखा जाए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बता रखा है ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का गैप भी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, और ये जो शेप है हमारे पास ये कौन सी शेप है, ये स्क्वायर शेप है। अच्छा, ये देखो पूरी हाइट है 14, 3 यहाँ पर आ चुका है गैप, 3 यहाँ पर आ चुका है, तो यानी 6 तो माइनस हो चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस में। यानी अगर मैं साफ साफ बनाऊँ इसको, ये यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है, ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर है। यानी अब जो इसकी हाइट बच चुकी है वो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि 6 तो माइनस हो गया, 3 यहाँ से चला जा चुका है और 3 यहाँ से जा चुका है, अब ये पूरी इसकी हाइट जो आ रही है वो 8 सेंटीमीटर है। अब 8 सेंटीमीटर है तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करूँ और एक यूँ ज्वाइन कर लूँ, एक यूँ और एक यूँ, ये बीच में एक स्क्वायर और बन चुका है। अब बीच में ये जो स्क्वायर बन चुका है, और इधर देखो आप ये सेमी सर्कल है, ये देखो, तो यहाँ पर सेमी सर्कल है, जितनी इसकी हाइट होएगी, फिगर थोड़ा सही नहीं बना, जितना इसके यहाँ से रेडियस होएगा उतना ही यहाँ पर होएगा। तो यहाँ तक अगर मैं मान लेता हूँ इसकी हाइट है, यहाँ तक एक्स है, तो ये भी एक्स होएगा। सिमिलरली नीचे भी, यहाँ अगर इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस होएगा तो यहाँ से यहाँ तक भी इसका रेडियस होएगा, ये भी एक्स होएगा। अच्छा, ये एक्स है तो बचा हुआ भी एक्स होएगा, पूरा डायमीटर कितना हो गया है 2x, यहाँ पर भी 2x। अच्छा, ये स्क्वायर ही बन रहा था तो यहाँ पर ये सेम ही है, हमारे पास सेम साइज के हैं ये, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 2x, जैसे ये 2x आ रहा है ऐसे ये 2x, ये भी 2x। तो हमें जो मिल गया, बीच में तो एक स्क्वायर है, इधर सेमी सर्कल है, इधर एक सेमी सर्कल है, इधर एक सेमी सर्कल है और एक इधर एक सेमी सर्कल है, ठीक है। जो बीच का जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अगर मैं निकालता हूँ जो साइड है, तो वो कितनी है हमारे पास,
साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पर आ रही है 2x, ठीक है। और जो सर्कल है, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, एक पूरा सर्कल बन गया, ये इधर का सेमी सर्कल, एक इधर सेमी का, एक सर्कल यहाँ पूरा बन गया, तो दो सर्कल बन रहे हैं इसमें। तो उसकी जो रेडियस है, दो सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है वो है हमारे पास x, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, यहाँ से यहाँ तक है x हाइट, यहाँ से यहाँ तक कितनी है लेंथ, ये है हमारे पास 2x, देखो ना ये रहा, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये 2x, x, 2x और x, अगर मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ है x, ये 2x है, और ये हमारे पास इधर क्या है, इधर x है, x, 2x, x, तो टोटल कितना हो गया 4x। और मुझे ये पता ही है, जब ये 4x है तो ये 8 के बराबर होएगा, क्योंकि 8 ही लेफ्ट था वहाँ पर, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 2, x आ चुका है मेरे पास 2। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, और रेडियस ऑफ ए सर्कल आ जाएगा 2। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, यानी इस पूरे का अगर मैं एरिया माइनस करना है, तो इस पूरे का एरिया कैसे निकल सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, बार वाले का स्क्वायर 1 नाम दे देता हूँ, इसका स्क्वायर 2, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 प्लस दो सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ टू सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा अंदर वाले का, तो हमारे पास आ जाएगा 2x साइड है, तो इसकी साइड कितनी आती 4, तो एरिया आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और एरिया ऑफ टू सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, और दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16, प्लस 2 इंटू, देखो पाई हमें गिवन है वो है 3.14, और आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 2 इंटू 2, यानी ये भी 4 हो गया, 16 प्लस 4 टू जो 8, 314 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, अगर टू 5.12, और इसको ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.12 इसके इक्वल, 25.1216 में अगर प्लस करेंगे तो 12 11 34, 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो अंदर वाला ये सारा पार्ट है इसका मैंने एरिया निकाल दिया, बाहर वाले स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर 1 जो है वो कितना हो जाएगा 14 × 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब मुझे को शेडेड पार्ट का निकालना है, तो शेडेड पार्ट का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल माइनस ये जो था हमारे पास पूरा फिगर, माइनस 41.12, 196 माइनस 41.12, 41.12, अच्छा 196 में से 41.12 माइनस करता हूँ, 8 यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा हमारे पास 5 यहाँ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया कुछ समझ में, फिर देखते हैं, शुरू में हमारे पास क्या था, एक स्क्वायर था बड़ा, उसके अंदर ये फिगर बनी हुई थी, इस फिगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, ये 3 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, और ये 3 सेंटीमीटर था, हमें क्या करना था, शेडेड पार्ट का निकालना है। शेडेड पार्ट का हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर अंदर वाले ये जो भी फिगर बना हुआ है इसकी डायमेंशन मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि इसका एरिया निकल जाएगा, और उसमें से हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो इसका मैंने कैसे निकाल दिया, मैं मान लेता हूँ यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स है, तो यहाँ पर बीच में देखो एक स्क्वायर बन सकता है, ये स्क्वायर बना दिया, ये एक्स था, रेडियस इसका एक्स आएगा तो ये भी एक्स आएगा, तो इसकी स्क्वायर की साइड तो बन गई 2x, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2x डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ नीचे फिर x आ गया, तो x प्लस 2x प्लस x ये कितना हो गया टोटल हाइट 4x, 4x बराबर आ रही थी 8 के, क्योंकि यहाँ से 3 माइनस हो गए थे, यहाँ 3 माइनस तो 8 बच गया था, आगे हमने सोल्व करा तो x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 2, जब x की 2 आ गई तो स्क्वायर की साइड अंदर वाले स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 4, और जो ये रेडियस बन रहा था इसकी साइड हो गई 2, तो एरिया ऑफ स्क्वायर
प्लस एरिया ऑफ ए टू सर्कल, इन दोनों को प्लस किया 4 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 16 प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू 4, तो 16 इंटू 25.12। तो यानी ये अंदर वाले फिगर का हमारे पास एरिया आ गया था, फिर मैंने टोटल में से माइनस कर दिया तो मेरे पास शेडेड पार्ट का आ गया 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर राइट एंगल है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन ए बी ए सी एंड बी सी एज अ डायमीटर। सेमी सर्कल बनाया गया तीनों साइड्स पर। देखिए पहले अगर ए सी पे अगर सेमी सर्कल बनाता हूँ तो ये बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं अगर ए बी पर बनाता हूँ, ये रहे ए बी साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी सर्कल बनेगा। और फिर हमारे पास बी सी पर डायमीटर, बी सी अगर डायमीटर रखता हूँ तो ये वाला देखो, ये जो सर्कल जा रहा है ना, ये सेमी सर्कल बी सी बन जाएगा। तीनों को एज अ डायमीटर लिया गया, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट क्या है, ये वाला। तो अच्छा ये कैसे निकल सकता है, अगर मैं क्या करूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूँ, फिर इस सेमी सर्कल का, फिर इस सेमी सर्कल का, तीनों को जोड़कर इस वाले सर्कल को माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा। सॉरी अब जरा देखते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल का ऐड करता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 3 और इंटू हाइट। अच्छा ये देखिए, ये बेस है 3, 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, तो ये साइड आ गया हमारे पास 5। अच्छा ये हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी प्लस, अब मैं इसमें इस वाले साइड को प्लस करता हूँ, ये वाला सेमी सर्कल को, यानी सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, ए पी बी, ठीक है। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हो रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा रेडियस कितना होएगा यहाँ से यहाँ तक, हाफ 3/2, तो यानी पाए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, रेडियस है 3/2 का स्क्वायर बाय टू, इसलिए करेंगे क्योंकि सेमी सर्कल है। फिर ऐसे ही पाए प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल लूँगा इस बार, ये वाला ए क्यू सी। अच्छा ये कितना हो जाएगा, पाए बाय टू, आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 5/2 का स्क्वायर, सॉरी 4/2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए हमने सारी फिगर कवर कर ली थी, इसमें ट्रायंगल यहाँ से हो गया, ये सेमी सर्कल यहाँ पूरा, ये फिगर आ गई। अब उसमें से क्या करता हूँ मैं, ये वाला जो है ना इतना पार्ट ही सारा माइनस कर देता हूँ, शेडेड पार्ट लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है। जो यहाँ से है ये वाला पार्ट माइनस करना है, ये पार्ट रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले इसका निकाल लेते हैं, माइनस करेंगे अब इसमें से सेमी सर्कल ए बी सी सेमी सर्कल माइनस करूँगा मैं, ठीक है। तो अब माइनस हो जाएगा पाए बाय टू, यहाँ हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ से कट करा, यह आ गया 6 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, पाए बाय टू, यहाँ कितना आ जाएगा 9/4 प्लस 16/4, यह आ गया माइनस, यहाँ आ जाएगा पाए बाय टू ही इसमें से, यहाँ कितना हो जाएगा 25/4, आगे आ जाएगा 6 प्लस पाए बाय टू, ये कितना आ गया 25/4, 16 प्लस 9 25 माइनस पाए बाय टू 25/4। अच्छा देखिए ये पाए बाय टू 25/4 प्लस का है, ये पाए बाय टू 25/4 माइनस का है, तो इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो शेडेड पार्ट है इसका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पहले यहाँ था, इस पर एक सेमी सर्कल बनाया गया, फिर इस साइड को लेकर इस पर एक सेमी सर्कल बनाया गया, फिर तीसरी साइड को लेकर इस पर एक सेमी सर्कल बनाया गया। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दूंगा, सारे फिगर्स आ जाएंगे जिसमें ट्रायंगल में इधर से सेमी सर्कल प्लस करूंगा, इधर से ये सेमी सर्कल प्लस करूंगा। उसके बाद फाइनली मैं क्या करूंगा, ये वाला सेमी सर्कल है ना ये पूरे में से माइनस कर दूंगा,
तो पूरे में जब ई माइनस करूँगा सिर्फ शेडेड पार्ट रह जाएगा, और जिसको हमने सॉल्व करा है तो हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CBSE 2017 में पूछा हुआ है, तो आप अच्छे से इसको समझें और करें नोटबुक में। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.